हमारी गोरखा चिकन कड़ी डिफरेंट इसलिए कि जो हम मसाले हैं तो हमारे वो सारे नेपाल से ही आते हैं। जो स्पेशल हमारा ये है कि हम सारे मसाले जो नेपाल के टेमूर हो गया, फ्लोर स्टोन हो गया, तो ये यूज़ टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नमस्कार, सलाम, सत्याकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी की इस खास पेशकश हिस्ट्री ऑन द प्लेट के फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम दुनिया की तमाम डिशों की हिस्ट्री जानेंगे और इससे जुड़े हेल्थ फैक्ट्स पे भी बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ दिलनशी जहरा। तो आज आपको एनडीटीवी लेके जा रहा है दिल्ली में स्थित कनॉट प्लेस में एक स्पेशल मिलिट्री बेस्ड रेस्टोरेंट जिसका नाम है 38 बैरक्स। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि एक आम दूसरे चिकन करी के मुकाबले नेपाली का गोरखा चिकन करी कैसे अलग है। तो आइए आज इसके हिस्ट्री और इसके हेल्थ फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हैं हमारे साथ एनडीटीवी पे 38 बैरक्स के ओनर मिस्टर अंकुर अग्रवाल। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या है इसका इतिहास 38 बैरक्स का और यहाँ पे क्या मिलिट्री बेस्ड क्यूजीन है। आई वॉज ट्रैवलिंग टू शिमला एंड ड्यूरिंग माई जर्नी टू शिमला ऑन अ ट्रेन आई हैपन टू शेयर अ ट्रेन बोगी विद अ रिटायर्ड कर्नल। तो शुरू में मुझे लगा, उस ज़माने में मैं मोविडा चला रहा था, तो मुझे लगा यार ये इतना लंबा चौड़ा कर्नल है कि लॉन्ग वाइट हेयर, लॉन्ग वाइट पोनीटेल, वाइट मुस्टैचेस, वाइट बियर्ड, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट बेल्ट, वाइट शूज़ एंड ही वॉज समवेयर एजड अराउंड 70s। एज अ सिविलियन हम अपनी आर्म फोर्सेस को कितना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और समहाउ ऐसा हुआ कि मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हम कभी उनको थैंक्स तो करते नहीं हैं। तो फिर वापस आकर के शिमला से आकर के मैंने मोविडा को 38 बैरक्स में कन्वर्ट करा एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट। हमारे पास काफ़ी सारी सिग्नेचर डिशेज़ हैं, जैसे हमारी गोरखा चिकन करी बहुत फेमस है, वो हमारे पास पनीर टिक्का बैरल्स हैं। रेगुलर पनीर टिक्का आप सब जगह खाते हैं, बट हमारे यहाँ पनीर टिक्का जो है वो बैरल शेप के अंदर आता है। इट इज़ हॉलो पनीर फिल्ड विद पिस्ताचियो, रेजिन्स एंड खोया। So from outside it is a very, very tangy and a good flavor of tandoori dish spices, but from inside it has a little sweetness to it. Sikh kebab हमारे यहाँ पे स्नाइपर सीख कबाब के नाम से फेमस है और there is a dish called submarine जिसके अंदर there is a war happening on a platter. It's a English fish and chips versus अमृतसरी माही टिक्का। तो इट्स अ वॉर हैपनिंग। शुक्रिया अंकुर जी हमसे जुड़ने के लिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो आइए हम चलते हैं यहाँ के जो मेन शेफ़ हैं उनसे हम जानेंगे कि ये नेपाली गोरखा चिकन करी की क्या रेसिपी है, इसमें खास क्या है। तो आज इस रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं 38 बैरक्स के एग्जीक्यूटिव शेफ़ विक्रम। विक्रम शेफ़, आपका एनडीटीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। सो शेफ़ विक्रम, ये प्लीज़ हमें दर्शकों को बताएं कि ये गोरखा चिकन करी, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसके बारे में हमें ज़रा बताएं। जो हमारी गोरखा चिकन करी है डिफरेंट इसलिए कि जो हम मसाले हैं तो हमारे वो सारे नेपाल से ही आते हैं, कि जैसे टेमूर हो गया जिसको आप सिजवान पेपर बोलते हो, आपका फ्लोर स्टोन हो गया, जो स्टोन के ऊपर एक फ्लावर होता है तो हम वो भी इसमें यूज़ करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा मेस है जावित्री, और इसमें ये देख सकते हो आप फ्लावर स्टोन भी इसमें रखे हुए हैं हमने। एंड इसके बाद बेलीप है और पिपली है, और हम इसमें फ्रेश ग्रीन चिली यूज करते हैं एंड तुम्हारा जिंजर। तो हम सारा चिकन कड़ी में यूज करते हैं। जो चिकन कड़ी हम बनाते हैं तो हमारी फ्रेश होती है हमेशा, और तुम्हारा जो इसमें पतली ग्रेवी में हम बनाते हैं, थिक ग्रेवी में हम इसको रखते नहीं। तो यही हमारी स्पेशली जो स्पेशल हमारा ये है कि हम सारे मसाले जो नेपाल के टेमूर हो गया, फ्लोर स्टोन हो गया, तो ये यूज जब उसमें टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इस तरह से हम टेबल में सर्व करते हैं। ये हमारा फ्रेश ग्रीन चिली टॉप ऑन गार्निश एंड जिंजर एंड कोरिएंडर लीफ। इसके साथ हमारा ये अकॉम्पनीमेंट जाता है ऑनियन एंड पापड़ लवास और मिंट सॉस। तो हम आप सभी दर्शकों को इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता दें कि ये 16वीं सदी में आए 1559, दैट इज़ 1559 में राजा द्रव्य सिंह के द्वारा ये गोरखा एक रीजन, एक क्षेत्र है जो नेपाल में स्थित है। गोरखा का मतलब हम आपको पहले बता दें कि गोरखा ये जो शब्द है इसका अर्थ किसी किले से जुड़ा हुआ है। इसी गोरखा के लोग जो नेपाल में स्थित ये गोरखा क्षेत्र है वहाँ के लोग 16वीं सदी में बहुत ही बढ़ चढ़ के पुराने बैटल्स में, पुराने युद्ध में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट क्यूजीन कौन सी है जिसकी हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ्रॉम न्यू दिल्ली, दिलनशी ज़हरा फॉर NDTV।